हेलो जी, आप लाइव हैं। हम शो एंड करने ही वाले थे लेकिन आपका कॉल हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो यस, आप लाइव हैं हमारे शो में, आपका सवाल क्या है, आपका नाम? ब्रदर, मैं गामी तलस बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? गामी तलस बोल रहा हूँ, जी बोलिए। सीआरपीएफ का जवान हूँ। सीआरपीएफ के जवान है जी भाईजान, बोलिए। जी ब्रदर, मेरा थोड़ा सजेशन है। जी मैं एक्चुअल में सीआरपीएफ का जवान हूँ, तो जो कश्मीर में माहौल बहुत ही खराब जी है, और जो आतंकवादी आज इस दुनिया में, मतलब हमारे देश में, देश को खोखला कर रहे हैं, जी और जो मजहब है उसके नाम पे आज गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, जी और ये बोलते हैं कि हमको जन्नत मिलेगा ये करने से, तो उनके लिए आप प्लीज दुआ कीजिए जी ताकि ये से रास्ते से ठीक रास्ते पे आए। और मेरा एक सवाल है, जी मैंने सुना है कि जो बाइबल पूरा लिखा गया हम 1500-1600 साल के बीच में, जी तो माना जाता है कि जो पहला पुस्तक ये ओल्ड टेस्टमेंट का लिखा जी गया ईसा मसीह के 1500 साल पहले, जी और लास्ट जो प्रकाशित वाक्य है वो तकरीबन 90 साल, मतलब ईसा बिल्कुल 90 के बीच में, बिल्कुल तो जो ईसा मसीह आए थे 1500 साल उससे पहले, मतलब बाइबल नहीं था, तो लोग कैसे चलते थे परमेश्वर के रास्ते पे, वो मेरे को जानना बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई ने। भाई का सवाल है, भाई का जो सजेशन है वो मैं पहले शेयर करना चाहूँगा। अब सीआरपीएफ जवान है भाई भी, जो हमारे साथ कॉल पर हैं, और उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में और भारत भर में बहुत ऐसा माहौल है कि जो धर्म के मामले में लोग जो है भड़कावा कर रहे हैं और दंगे कर रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ऐसा करने से उनको जन्नत भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर अकबर, ये पॉइंट पर हम थोड़ा सा टच करके आगे चले, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट टाइम टू टॉक ऑन दिस इशू, बट स्टिल वो मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारे मुसलमान भाइयों को भी हम क्लियर कर देंगे कि ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, इनका सवाल है कि बाइबल जो है 1500 साल के दरमियान लिखी गई थी, और आखिरी किताब 90 वर्ष के आसपास लिखी गई थी यीशु मसीह के बाद। तो यीशु मसीह के दिनों में और उनके दिन के पहले किस प्रकार लोगों को मार्गदर्शन किया जा रहा था जब बाइबल एज अ किताब नहीं था? यस प्रोफेसर अकबर, पहली बात जो है कि जो मुसलमान सोचते हैं, अगर एक्चुअली ये कहता है, मतलब उनसे कहा गया है कि अगर तुम अल्लाह के लिए लड़ोगे और लड़ते वक्त तुम्हारा जान गंवाओगे तो तुमको तुरंत जन्नत मिलेगी, ऐसा मुसलमानों का मानना है। सोर्सेस कहता है उनके उनके किताबों में भी लिखा गया है, मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि सच्चा परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम प्यार करो। सच्चा परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों को माफ करो, उनसे मोहब्बत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, वही यीशु मसीह कहते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोगों को मार कर वो ये सोचते हैं कि वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, मगर नहीं, तुम खुदा के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि खुदा नफरत नहीं पैदा करता, खुदा तो प्यार पैदा करता है लोगों के दिलों में दूसरों के लिए। तो ये तुम गलत फहमी में हो, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, भाई का सवाल था कि मूसा के किताब लिखने से पहले जो आदम से लेके मूसा तक कोई किताब नहीं थी, उस वक्त लोग कैसे परमेश्वर का पीछा करते थे। मैंने जब आपको बताया कि पुराने जमाने में इट वॉज एन ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन मतलब मुजुबानी लोग परमेश्वर के वचनों को, वाक्यों को याद करते थे, याद रखते थे, तो यही जनरेशन टू जनरेशन उनको दिया गया है, मुजुबानी याद किया गया है उनको। जैसे कि पुराने जमाने में कोई भी चीजों को हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को जब हम देखते हैं, वो एक दूसरे एक आने वाले पीढ़ियों को ऐसा समझाया जाता था कि कहानियों के जरिए और ओरली उनको सिखाया जाता था।
तो उस वक्त तक वैसा था, मूसा के बाद में किताब में लिखना इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। यस, ठीक है। सो भाई हम जरूर दुआ दुआ करेंगे, आप हमारे लोगों सारे के लिए हम दुआ कर रहे हैं, और शो शो से पहले भी हम उन जवानों के लिए प्रार्थना किए हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना किए हैं, हम सारे हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना में याद रखेंगे। ठीक है ब्रदर, और जो मुसलमान भाइयों है उनके लिए प्लीज जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि वो दूसरे रास्ते में भटक चुके हैं। जरूर जरूर हम प्रार्थना में याद रखेंगे उनको। जी जी बिल्कुल याद करेंगे, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा किया, आई थिंक हमने ये लास्ट कॉल, हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, हमारे खुद के घरों में फैन के नीचे बैठे रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, मगर जवान जो हमारे देश को, जो हमारे देश की हिफाजत करते हैं, वो ठंड में गर्मी में किन किन हालातों में उनको बाहर रहना पड़ता है, जरूर उनके लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर उनको ताकत दे, उनकी हिफाजत करे। तो चलिए इस कार्यक्रम को एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। सो प्रोफेसर अकबर, प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए। और ओके, चलिए चलिए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय बाप, आपको धन्यवाद करते हैं, ये रात के समय आपका नाम हम ऊंचा करते हैं। प्रभु, सबसे पहले आपके चरणों पे हम हमारे CRPF जवान और उनके परिवार को लेकर आते हैं। शांति का दाता आप है प्रभु, प्रभु आप उनके परिवारों में शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धर्म के नाम पर जो इस भारत देश को दो टुकड़े करने के साजिश रची जा रही है, प्रभु सारे साजिशों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये भारत देश पर आपका प्रेम बने रहे, ये भारत देश के वासियों पर आपका अनुग्रह और दया बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर ये जवानों को प्रभु इस समय में उनका मनोबल और बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों ने अपने पति को, बेटे को, भाई को और चाचा को या फिर किसी एक जवानों को खोया है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु उन पर क्या बीत रही है, लेकिन आप जानते हैं। खुदा उन पर रहम कर, उन्हें तसल्ली दीजिए, एक सांत्वना दीजिए, क्योंकि आप शांति का राजा हैं। और प्रभु, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो गलत तरीके से उन्होंने ईमान को समझा है, और गलत तरीके से ईमान को समझने के साथ साथ जो हानियां पहुंचा रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और हम उन हिंदू भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस मौके पर घटना को छोड़कर एक कौम को जो है निशाना न बनाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इनके दिलों में राज करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके मनों में राज करने के लिए, क्योंकि शैतान प्रभु हिंदुओं के मन में मुसलमान के प्रति विरोध, और मुसलमान के मन में हिंदुओं के प्रति विरोध, और सभी के मनों में ईसाइयों के प्रति विरोध, ऐसे आपस में लड़वाने का ये जो लड़ाई की आत्मा है उसे दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये वक्त नहीं है कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है लड़ने के लिए। प्रभु, इस वक्त में हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनके परिवार को साथ दें और सारे भारतवासी उनको साथ दें। वैसे ही प्रभु, ये जवान जिन्होंने कॉल किया है उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, उनको भी सलामती दीजिए, रखवाली कीजिए, आपके बच्चों के साथ हमेशा रहने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। एक बार फिर ये शो को आशीष करने के लिए धन्यवाद, और जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ। आशीष जी उनके परिवार के साथ रहिए प्रभु, आगे चलकर कोई भी ऐसी घटना ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन।